हेलो, आई एम शशि। आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी लेके आई हूँ जो ओट्स से बनने वाला है। इसे आप ओट्स का उत्तपम बोलिए, ओट्स का चीला या ओट्स का ऑमलेट। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो एक कटोरी हमने ओट्स ले लिया है, प्लेन ओट्स है, इसको हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। और इसी के साथ हम एक कटोरी दही यूज़ कर रहे हैं। दही हमारी थोड़ी सी खट्टी है, इसलिए देखिए इस तरह से हमने एक कटोरी लिया है। और अगर आपकी दही खट्टी नहीं हो तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। तो इसको डालने के बाद अब हम इसको पीसेंगे। तो पीसने के पहले इसमें हम यहाँ पे 2 चम्मच सूजी डाल दे रहे हैं, जिससे ये और भी टेस्टी बन के तैयार होगा। तो 2 चम्मच सिर्फ सूजी हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। और इसके साथ हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो जिस कटोरी से हमने ओट्स लिया था, उसी कटोरी से हम आधी कटोरी पानी डाल रहे हैं, जिससे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल करेक्ट हो जाए, हमें ऊपर से पानी ना डालना पड़े। अब पीस के हम इसका पेस्ट बना लिए हैं। इस पेस्ट को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। ये थोड़ा सा गाढ़ा है, तो ये जो हमारे जार में बचा हुआ है इसका मिक्सचर, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के आधी कटोरी के करीब उसको अच्छे से इस तरह से हम हिला लेंगे, शेक कर देंगे, तो सारा जो मिक्सचर बचा है उसमें वो सारा बाहर आ जाएगा। तो इसको भी निकाल के हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। उत्तपम के लिए ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इससे ना पतली होनी चाहिए ना इससे गाढ़ी होनी चाहिए। अब हम इसमें देखिए स्पाइसेस डालेंगे। तो यहाँ पे 1/2 स्पून हम यहाँ पे सॉल्ट डाल रहे हैं। बहुत ही हेल्दी वे में बना रहे हैं, इसलिए ढेर सारे मसाले हम नहीं ऐड करेंगे। ये वेजिटेबल्स डाल रहे हैं, शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है, और एक हरी मिर्च है, और यहाँ पर लहसुन लिए हैं। आप इसमें वेजिटेबल्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो इन सबको डाल के हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके साथ इसको फ्लेवर के लिए इसमें थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। आप चाहिए तो उसके साथ आप ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, और आपको अगर चाहिए तो उसमें गरम मसाले भी डाल लीजिए, लेकिन हम सिर्फ रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो यहाँ पे 1/2 स्पून हम रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। तो 1/2 चम्मच हम रेड चिली फ्लेक्स डाल दे रहे हैं, इससे थोड़ा सा ये चटपटा सा बन जाएगा। और इसमें देखिए, अब इसको डाल के हम इसको चला लेंगे, और इसके बाद हम इसका उत्तपम फटाफट बनाएंगे। तो इसके पहले हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर रहे हैं। तो ये 1/4 स्पून से थोड़ा कम ही है बेकिंग सोडा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। इसको डाल के इसको चला देना है, इंस्टेंट ही बनता है, इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। बेकिंग सोडा डालने के बाद आप तुरंत बनाइए। तो 1/2 स्पून यहाँ पर हम तेल डाल के इस तरह से स्प्रेड कर ले रहे हैं ब्रश से। तो इस तरह से फैला लेंगे अच्छे से इक्वली, तो फैला लेंगे। अब इसमें हम जो हमने हमारा बैटर तैयार है उसको हम इसमें पोर करेंगे। तो एक ले ले रहे हैं इस तरह से कलछी, इसको इसमें से एक कलछी उठा के सेंटर पर डाल देंगे और इसको फैला देंगे। जिस तरह से हम उत्तपम बनाते हैं उसी तरह से हमें अच्छे से इसको स्प्रेड कर देना है पैन पे। अगर आप नॉन स्टिक पे नहीं बना रहे हैं, आयरन के तवे पे बना रहे हैं, तो थोड़ा सा तेल और डाल लीजिएगा। नॉन स्टिक पे बिना ऑयल का भी बन जाता है, लेकिन हल्का सा ऑयल लगाने से इसका टेस्ट बहुत बढ़ के आता है। तो अगर आप तेल डालना चाहें तो इस तरह से हल्का सा ब्रश से लगा सकते हैं। फिर 2 मिनट के लिए कवर करके इसको पकाएंगे। 2 मिनट बाद आप देखेंगे इसमें अच्छा सा कलर आ जाता है, ऊपर से बिल्कुल ड्राई दिखने लगता है और नीचे से छोड़ने लगता है। अब इसे हम टर्न कर देंगे। अब देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है, देखने में ही लग रहा है कितना टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल देखने और खाने में भी बहुत मज़ेदार था। ये देखिए, अब इसको हम दूसरी साइड से भी टर्न करके आपको दिखा रहे हैं कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। ये देखिए कितना प्यारा सा उत्तपम हमारा बन गया है। इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से दूसरा भी बना लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया देखने में लग रहा है ना। तो इस तरह से ब्रश से हल्का सा ऑयल लेके हल्का सा ग्रीस कर दे रहे हैं, और इस पर हम फिर से उसी मेथड से ही बनाएंगे। दूसरा उत्तपम बना के हम आपको दिखा रहे हैं। उसी तरह से कलची से ले लेना है मिक्सचर को, और इसको सेंटर पे डाल के फैला देना है। जैसे हमने पहला बनाया था, सेम उसी प्रोसेस से बना के हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये भी तैयार हुआ हमारा बनके। और इसी तरह से हमारे पास जितना है मिक्सचर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 उत्तपम हमारा बनेगा। तो इसको भी फैला दे रहे हैं। इसको भी 2 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। पहली बार 2 मिनट के लिए ढकते हैं, दूसरी बार 1 मिनट के लिए अपोजिट साइड से। तो अब आपको दिखा रहे हैं, इसको देखिए हमने टर्न कर दिया था। अब नीचे से भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बना है। ये देखिए हम आपको पलट के दिखा रहे हैं, देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है ना। तो लग रहा है ना बिल्कुल उत्तपम का इतना टेस्टी रेसिपी। तो सूजी की तो उत्तपम बहुत खाए हैं, तो इस तरह से ओट्स का हेल्दी वे में आप उत्तपम बना के खाइए और खिलाइए, बहुत ही प्यारा सा बनता, बहुत ही खाने में टेस्टी होता है। ये देखिए इस तरह से हमने 3 बना के तैयार कर लिया है। अब आप इसको किसी के सामने सर्व करना हो तो इस तरह से आप प्लेन इस तरह से खड़ा खड़ा भी प्लेट में दे सकते हैं।
हम आपको इसके पीस दिखा रहे हैं एक कट करके। देखिए कितना सॉफ्ट बना हुआ है, बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल जिस तरह से ऑमलेट खाने में लगता है बिल्कुल ऐसे ही लगता है इसको मुँह में डालने पर। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और दही की चटनी के साथ हमने इसको ट्राई किया, बहुत ही टेस्टी था। आप दही की चटनी बनाइए या फिर सॉस के साथ इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इस तरह से फोल्ड करके हम इसको सर्व करते हैं। तो इस तरह से फोल्ड करिए या फिर ऐसे ही दीजिए, बहुत ही बढ़िया लगता है। ये देखिए बिल्कुल ऑमलेट के लुक में हमने इसको सर्व करके अपने घर में इस तरह से सबके सामने इसको रखा था। सब लोग देख के बहुत ही खुश हुए। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, आप हमारे चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन इसे दबाना बिल्कुल मत भूलिए, और अच्छा लगा तो शेयर भी करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।